हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक महीने का पहले हमने IMFA का स्टॉक में एंट्री लिया था। तभी बोनस का एक्स डेट के लिए एक हफ्ता था। बोनस का बाद में ये स्टॉक में करेक्शन आ गया। तो अभी सब जानते हैं, पिछले एक हफ्ते में मार्केट करेक्शन का वजह से पूरा स्टॉक में बहुत ही करेक्शंस आ गया। उसका साथ साथ ये स्टॉक में भी करेक्शंस आ गया था। तो आपने बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो हमने आपको बताया 27 जनवरी को इसका क्वार्टरली रिजल्ट रहेंगे, उसका बाद में हम इसके लिए अपडेट्स डालते करके। तो आज क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। उसका पहले हमने कल विप्रो और कंसाई नेरोलैक का वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है। मार्केट करेक्शन की वजह से ये अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स आपको सस्ता प्राइस में मिल रहा है। अगर आप वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, आपको इंटरेस्ट है तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा बताया, आज का दिन 27 जनवरी, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ चुका है। बहुत एज एक्सपेक्टेड अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो अभी आगे हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेंगे, ये वीडियो में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आप NSE का वेबसाइट में विजिट करेंगे तो ऑलरेडी कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट का अपडेट्स दिया हुआ है और NSE ने उसको अपलोड किया हुआ है। तो 429 को अपलोड हो गया, तभी मार्केट क्लोज हो चुका था। बट फिर भी आज IMFA में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट को देखने मिला और पॉजिटिव में ही ये क्लोज हो गया आज का दिन में। तो अटैचमेंट में आप जाके देखेंगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। हमने आपके लिए खाली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट लिया हुआ है, उसमें सारा चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम प्रॉफिट में जाते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का लाइन में हमने चुना है। पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ का प्रॉफिट था, ये क्वार्टर में 122 करोड़। कंपेरेटिवली ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर पिछले क्वार्टर में ये 32 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो एक साल में अभी 122 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसका अलावा ईयर ऑन ईयर 9 मंथ्स का भी डाटा आप देखेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ है कंपनी ने। तो अभी हम डायरेक्टली की हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल में यही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 121 करोड़ वर्सेस ये ईयर ऑन ईयर का 32 करोड़ का जगह में, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। उसका अलावा पिछले साल 9 महीने का मतलब 3 क्वार्टर का रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो 100 करोड़ था। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर का आप रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो 365 करोड़ से, ये भी बहुत ऑलमोस्ट 3 गुना प्रॉफिट में प्रॉफिट बढ़ गया। ये भी अच्छा अचीवमेंट है, ये ऑपरेशनल हाईलाइट्स है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना है, ये स्टॉक कैसा मूवमेंट करता है, इसके लिए ये बिजनेस हाईलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सपोर्टिव भी है। रीपेमेंट ऑफ 214 करोड़ लॉन्ग टर्म डेप्ट एज ऑन डेट, मतलब इनका जो लॉन्ग टर्म डेप्ट था इन्होंने पे कर चुके हैं 214 करोड़ का। तो इसका चलते हुए कंपनी डेप्ट फ्री हो गया। आप इधर देख सकते हैं, इक्विटी रेशियो इज 0.07, शेल बी डेप्ट फ्री बाई मार्च 2022। जो 0.07 का डेप्ट है ये भी कंपनी क्लियर करेंगे बाई मार्च 2022, मतलब ये साल का एंड में ये कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी। तो उसका अलावा इंटीमेशन रिसीव्ड रिगार्डिंग अलाटमेंट ऑफ 124 एकर लैंड इन कलिंगानगर फॉर FE फेरोक्रोम का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए इनको 124 करोड़ का लैंड भी अलाटमेंट हो चुका है। तो फर्दर बिजनेस भी इसका एक्सपेंशन हो रहा है। दोस्तों, सारा आपको अपडेट्स इसके लिए हमने बताया था, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट के लिए वेट करेंगे, उसका बाद में हमको इसमें क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो बिजनेस हाईलाइट्स में आपको क्लियर पिक्चर मिल चुका है। फर्स्ट थिंग, कंपनी डेब्ट फ्री होने वाला है, और सेकेंड थिंग, कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया अभी तक, जो 3 क्वार्टर का आप रिजल्ट देखेंगे तो पिछले 5 साल से भी हाईएस्ट प्रॉफिट यही है, ये साल का है। तो आगे देख लेते हैं, ये स्मॉल कैप कंपनी है, 2137 करोड़ का, बट फेस वैल्यू अभी भी 10 है, बुक वैल्यू 227 है। अभी जो प्राइस है आपको 396 है, 52 वीक्स का लो 180, 52 वीक्स हाई 498। दोस्तों, ये आफ्टर बोनस है, बोनस का पहले 4:1 का बोनस था, इसके लिए 50% इसमें कम हो गया प्राइस और वॉल्यूम मल्टीपल हो गया। तो यही चीज़ आपको बताया था, एनुअल प्रॉफिट आप देखेंगे तो पिछले 5 साल का ये प्रॉफिट हमने लिया हुआ है। तो ये साल का प्रॉफिट ऑलरेडी 3 क्वार्टर का प्रॉफिट 364 करोड़ से, प्लस क्वार्टर 4 अभी भी बाकी है, तो कुल मिला के ये 400 करोड़ का प्रॉफिट क्रॉस करेगा, विच इज़ मोर कंपेयर टू लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स। ये अच्छा अचीवमेंट है कंपनी के लिए, और डेब्ट फ्री हो रहा है, ये तो प्लस पॉइंट है।
टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ये बोनस का पहले अपर बैंड को टच किया था, उसका बाद में शार्प करेक्शन हो गया। इधर तक आप देख सकते हैं 43440 तक करेक्शन एक्सपेक्टेड था हमारा, क्योंकि आफ्टर बोनस नॉर्मली करेक्शन हो जाते हैं, बट मार्केट करेक्शन का वजह से इसमें और भी बहुत ही शार्प करेक्शन हो गया। ये 376 तक गया था, अभी थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल जैसा बता रहे हैं, आज पॉजिटिव क्लोज हो गया, तो क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ गया। अगर मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो इधर से इसमें पॉजिटिव मूवमेंट भी स्टार्ट होना है। 396 है अभी का प्राइस, RSI अभी भी 42 है, इसमें और भी बहुत ही पोटेंशियल है। बट MACD का लाइन अभी जस्ट स्लाइड कर्व लिया हुआ है, बट ये इशारा नहीं कर रहे, तो ये कट करके ऊपर का तरफ जाना है तो इसमें आपको पक्का अपवर्ड मूवमेंट बोल सकते हैं। तो प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस देख सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट एक महीने का एवरेज 1 लाख का वॉल्यूम है, तो कल का बाद में इसमें थोड़ा वॉल्यूम बढ़ सकता है। ये जो आप रेट देख रहे हैं पूरा स्टॉक में आपको यही देखने मिलेगा अभी मार्केट करेक्शन की वजह से। आज का दिन में भी इसमें 50% से भी ज़्यादा डिलीवरी उठाया गया हुआ है। तो दोस्तों हमने जैसा बताया, फर्स्ट हमने एंट्री लिया था 24 दिसंबर को, आप देख सकते हैं 893 का प्राइस में, उसका बाद में हमने 421 का प्राइस में एवरेज किया था, प्लस अभी भी हमने 380 का प्राइस में एवरेज कर चुके हैं, तो हमारा एवरेज हो गया 415। तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन का हिसाब से आपको अगर एवरेज कर सकता है तो अभी अच्छा प्राइस में आपको एवरेज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो आपको एंट्री के लिए बहुत अच्छा प्राइस है, अगर फर्दर करेक्शन होता है तो आपको ऐड एंड डिप्स कर सकते हैं। तो इधर से हमारा टारगेट 500+ मिनिमम हम रख के चलते हैं, ताकि इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आना है। अगर आप 1 साल के लिए रखता है तो इसमें और भी अच्छा तेज़ी आ सकता है। मिनिमम हमको 500+ विद इन 3 मंथ्स ये स्टॉक में आना है। तो नेक्स्ट ईयर एंड का रिजल्ट आने तक हमको इसमें होल्ड करते हैं, आपको ऐड एंड डिप्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।